कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह के स्वागत के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर रही है कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। और अब जब संजय सिंह की रिहाई हुई है तो ऐसे में स्वागत की तैयारियां भी यहाँ पर उसी तरीके से की गई है। देखिए सुबह से इंतजार किया जा रहा था कि कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी संजय सिंह जेल से निकले हैं, सीधे वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो जानकारी है वो यहाँ आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ आपने सुना। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, इस केस को लेकर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। और नारेबाजी वहां पर हो रही है, जेल के ताले टूटे, संजय सिंह छूटे, केजरीवाल भी छूटेंगे, सत्येंद्र जैन का उन्होंने जिक्र किया। ये भाषण उन्होंने दिया, ये तस्वीरें बाहर निकलते ही फूलों की बरसात। 181 दिनों बाद संजय सिंह जेल से बाहर आए। जावेद लगातार हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या कहा संजय सिंह ने? जावेद हमारे साथ लगातार मौजूद है। जावेद, संजय सिंह ने क्या 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 कहा? संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में किस तरह से जश्न का माहौल है वो तस्वीर आप देख लीजिए। सीधे तस्वीर हम कार्यकर्ताओं की दिखा रहे हैं जो कि संजय सिंह के फेवर में नारेबाजी कर रहे हैं। और जब तक वो नहीं टूटेंगे हम लोग खुशी नहीं मनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल टूटेंगे। पार्टी मैं कवर करता हूं, संजय सिंह ऐसे नेता हैं जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचते हैं, जुटते हैं और यही वजह है कि तिहाड़ जेल हो या आम आदमी पार्टी का दफ्तर, वहां कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। मंच की अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए ऋतुराज झा जो कि विधायक हैं मुझे नजर आ रहे हैं, कुलदीप कुमार जो कि लोकसभा उम्मीदवार है पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं संजय सिंह के कद को देखते हुए, पार्टी में उनकी राजनीतिक कद को देखते हुए। आज वो संबोधन करेंगे, वो क्या कहेंगे इस पर भी अमन नजर रहेंगे क्योंकि वो मंच पर उस मंच पर संबोधित करेंगे जहां से अमूमन अरविंद केजरीवाल संबोधन करते हैं जब आम आदमी पार्टी जीतती है। तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि संजय सिंह की रिहाई किसी जीत से कम नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही थी कि उसकी जो पहली पंक्ति की लीडरशिप है उसको जेल में डाल दिया है केंद्र सरकार ने, आरोप लगाती रही थी। अरविंद केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह जेल में थे अब रिहा हो रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में है, ये आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही थी। और अब देखिए किस तरह से लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, आप तस्वीरों में देखेंगे गुलदस्ता लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, यहाँ नारेबाजी लगातार चल रही है। सबसे ज्यादा जो नजर है वो संजय सिंह के संबोधन पर होंगी लेकिन उससे पहले वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे जहां वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। तिहाड़ से सीधे सीएम आवास जाएंगे और फिर सीएम आवास से वो पार्टी ऑफिस आएंगे और यहां कार्यकर्ताओं को संबोधन उनका होगा। लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा इसलिए अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी को की मुश्किलें बढ़ ही रही थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, ऐसे में संजय सिंह की जो रिहाई है वो पार्टी के लिए बड़ी राहत के तौर पर सामने आई है। और वो तस्वीर और वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर
आप यहां देख सकते हैं ये लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। हालांकि जो कोर्ट है उसने सशर्त जमानत दी है, कई ऐसी कंडीशन लगाई है, उनको पासपोर्ट जमा करना होगा, केस से जुड़ी कोई बात नहीं करनी होगी। हालांकि कल कोर्ट ने कहा था कि वो पॉलिटिकल गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि क्या वो कहेंगे, किस तरह की बात कहेंगे। और उस वक्त क्योंकि जब वो जेल से आ रहे हैं और उनके सबसे बड़े नेता अभी जेल में हैं और वो तैयारियां यहां पर अब की गई हैं। यहां तस्वीर एक बार देख लीजिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ऋतुराज झा नजर आ रहे हैं, कुलदीप कुमार नजर आ रहे हैं और दूसरे विधायक भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरा यहां पर पार्टी का प्रांगण है ये पूरी तरह से भर चुका है और इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आएंगे। लेकिन एक ये भी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 10 बजे से पहले उन्हें ये पूरा कार्यक्रम उनको समाप्त करना होगा। तो अभी कितना वक्त लगेगा, अभी वो जेल से निकले ही हैं, उसके बाद वो सिविल लाइन जाएंगे, सिविल लाइन के बाद वो यहाँ आएंगे। तो फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं संजय सिंह का, उनके संबोधन का, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक ऐसी राहत की खबर का इंतजार था जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद अब संजय सिंह की रिहाई के रूप में सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, वहां से मैं अगर तस्वीर दिखाऊं, कुलदीप कुमार है, एक बार देखिए। मैं आपके पास आऊंगी, ये तस्वीरें जो हैं ढोल नगाड़ों की, ये संजय सिंह के घर के बाहर की तस्वीर है। ये ढोल नगाड़ों की थाप पर वहां पर लोग नाचते हुए गाते हुए जश्न मनाते हुए 181 दिनों के बाद संजय सिंह बाहर आए हैं। वैसे कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि इसको नजीर नहीं माना जाना चाहिए, दिस इज नॉट ए प्रेसिडेंट। और जो बेल भी दी है वो 5 शर्तों के साथ दी है, जिसका लगातार जिक्र जावेद भी कर रहे थे। 5 शर्तें हैं, वो केस पर बात नहीं कर सकते हैं, दिल्ली NCR में रहना होगा। संजय सिंह ने कहा क्या, एक बार वो सुना दीजिए एक बार दोबारा से, जो अभी बाहर आए थे संजय सिंह जो बात कर रहे थे वो क्या कहा है उन्होंने, वो सुनना चाहिए। आपको बता दें, पहली शर्त यह है कि संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद इस केस से जुड़ी कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे,